हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निभास किचन। तो आज हम बना रहे हैं मिनी इडली बॉल्स। तो कौन नहीं चाहता कि उसकी बॉडी एकदम वेल मेंटेन्ड हो और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे और वो कुछ टेस्टी यम्मी सा खा भी ले। तो इसके लिए आज हमने ये बहुत ही सुपर डिलीशियस स्नैक्स बनाया है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा और 2 कप बीटरूट जूस। आप बीटरूट जूस नहीं है तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक पैन लें और उसमें बीटरूट जूस को डाल लें। अब बीटरूट जूस डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए बॉईल करें और जब इसमें थोड़े बबल्स उठने लगें तब तक आपको इसको बॉईल करना है। अब देखिए धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है और अब इसमें जैसे ही बबल्स आ जाएंगे तो हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल हमने ऐड कर दिया है। अब इसको फिर से मिक्स कर लें अच्छे से इस तरह से। और उसके बाद ये अब पूरी तरह अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चावल का आटा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो इसको आप इसमें अच्छे से मिला दें। तो जब हम राइस फ्लावर इसमें मिला देंगे अच्छे से, उसके बाद इसको थोड़ी देर और गर्म कर लें। उसके बाद इस तरह से इसको अच्छे से मिला दें पूरी तरह से, जब तक कि ये चावल के आटे का कलर रेड में चेंज ना हो जाए। और अगर आप पानी में बना रहे हैं तब भी आपको इस तरह से अच्छे से चावल के आटे को और पानी को अच्छे से मिला देना है ताकि आप एक डो प्रिपेयर कर सकें। उस तरह से आपको इसको मिलाना है। तो अब जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप बाउल प्लेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप इसको अच्छे से निकाल लें और इसको डो शेप दे दें। अब इसका एक डो बना लें अच्छे से। ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पे था, आपको एकदम गर्म में हाथ नहीं डालना है। रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद इससे अच्छे से डो बना लें। अब इसका रोल्स बनाएं एक एक करके। जब इससे बॉल्स प्रिपेयर हो जाएं इस तरह से आपको बॉल शेप देना है। आपको जो शेप पसंद हो आप वो दे सकते हैं। आपको अगर ओवल पसंद है तो आप ओवल शेप भी दे सकते हैं। आपको जिस शेप में आपको पसंद हो आप दे सकते हैं। मैंने इसको बॉल शेप दिया है। तो हमारे बॉल्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं और ये देखिए ये इतने टेस्टी से लग रहे हैं। अब हम एक स्टेनर लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और ग्रीस करने के बाद उस पे हमारे ये जो बॉल्स हैं उसको एक एक करके अच्छे से रख देंगे। अब इस तरह से एक एक करके सारे बॉल्स को आप इस पे रख लें। इस डिश की खासियत ये है कि ये स्टीम होगा, तो ये आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ये आप नॉर्मली भी ऐसे भी खा सकते हैं और ये सुपर डिलीशियस भी लगता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको स्टेनर पे हमने अब रख लिया है। उसके बाद हमने एक पैन में पानी ले लिया है और पानी को उबलने देंगे। उसके बाद उसमें नींबू डाल लें जिससे कि आपका जो ये बर्तन है ये काला नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप एक टुकड़ा नींबू डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे जो स्ट्रेनर पे हमने बॉल्स रखे थे उसको इस पे रख दें और इसको कवर कर दें। इसको कवर करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब देखिए ये कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब कि ये स्टीम हो चुके हैं। अब 15 से 20 मिनट स्टीम करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लें और आप इस स्टेप पे भी इसको चटनी के साथ खा सकते हैं। हमने इसमें एक स्टेप और ऐड किया है क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइसी करना था इसको। तो हमने एक पैन में रिफाइंड ऑयल ले लिया है और उसमें जीरा, राई और कड़ी पत्ते का छौंक लगा दिया है। अब इसमें आप अपने मिनी इडली बॉल्स को डाल दें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब आप इसमें चाहें तो थोड़े मसाले आप यूज़ कर सकते हैं, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला। हमें ये ऐसे ही पसंद था तो हमने ये ऐसे ही रखा है। अब इसको गर्म गर्म चटनी के साथ सर्व करें और रेसिपी को इंजॉय करें। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।
और ये देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट से बने थे और हमने इसको बहुत एंजॉय किया है। और आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू।